नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये मेरा फार्म हाउस है और आप देख सकते हो कितनी प्यारी रास्ता ही देगी आप, कितनी सुंदर रास्ता है दोस्तों। पूरा आपको घुमा के बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। आपने ऐसा फार्म हाउस अभी आपने आसपास देखा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के शुपी ज़िले में है, कभी आइएगा। और यहाँ अभी एक दिन में कलेक्टर साहब की भेंट होने वाली है, क्योंकि इसको देखने के लिए बहुत ही सुंदर है दोस्तों। बने रहिएगा, पूरा आपको दिखाता हूँ। देखिए सकते हो पीछे सागौन के पेड़, बगीचे के पेड़, और ये हमारा ट्रैक्टर, ये हमारा डॉगी। इसको अगर जो तो कितने से मिल जाए ना प्लान, तो यही ना जानी है, पूरे खेत की अस्त से कर दे दो। ये हमारे जीतू सर, और जीतू सर क्या हाल चाल है? लौकी तोड़ने जा रहे हैं। लौकी तोड़ने मतलब का जो पट्टी वट्टी ले जाते हैं उसमें रखने के लिए नीचे रखते हैं ना, खराबी है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये क्या है? ये रोटावेटर है। अच्छा, इससे क्या होता है? कोई भी फसल हो, कैसी भी खड़ी हो, लौकी भी हो ना, तो नीचे जकती हो जाती है, मतलब सब बेल वेल सब काट देती है। अच्छा अच्छा, और ये काई के पेड़ खड़े हैं इतने सारे? ये सागौन के पेड़। अरे वाह, क्या बात है, देख सकते हो। और ये खड़ी है लौकी, ये देखिए हमारी बाटू साथ में। और कह रही है लौकी रखूंगी नहीं, तोड़ूंगी मैं, चल जाएगी तोड़ोगे गाय गाय। और जगह जी तू जाम का रखा है? अरे जी पीना जी घर रखो जी यार, लौकी में पीना। अरे सही बता, चल के ना लौकी पीने डाल के बेचेंगे, ताकि मज़ा आता है खावे में। जी देख सकते हो लौकी लगी हुई है, दिख रहा होगा आपको। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब देखिए ये लौकी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके पास पहुँचते तीन दिन हो जाते हैं, क्योंकि आपके तो टेस्ट नहीं आता। देखिए कितनी लौकी लगी हुई है, देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ना खेत, वो वाली जगह जो दिख रही है ना, वो जगह इसमें लौकी होती थी, उसमें ककड़ी होती थी। तो मैं चड्डी पहन के वहाँ बड़ी आराम से दिन में पानी मिलना, पानी देना, उस टाइम बगीचा नहीं लगा हुआ था ये। और एक ही पेड़ था क्या जी तुम्हारा चिरोल का? पूरा चिरोल का पेड़ था वो, कि कट चुका है, लेकिन सावन के इतने सारे पेड़ हो गए हैं। तो आप देख सकते हो हमारे जीतू सर लौकी को काटते हुए। जीतू सर ये लौकी कितने वजन की होगी? आधी किलो की। तो कितने की जाएगी लगभग? ये 20 से 25 रुपए किलो, मतलब 25 रुपए किलो लौकी यहाँ से देते हैं। और वो लोग कितने लोग 50 रुपए किलो बेच रहे होंगे? 40 रुपए किलो, मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पर पेड़े तैयार करना, पेड़े लगाना, और लगाने के बाद में पूरा दोस्तों उसको भर के बेच देना, कितना 20 रुपए किलो। और ये लोग कितना मुनाफा कमाते हैं? डबल, केवल सुबह आए खरीदी और बेच दी, तो 20 रुपये डबल मुनाफा कमाते। तो आप देख सकते हो कि किसान को ज़्यादा कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन क्या करें, आप जैसे महान लोगों की सेवाएं जो करनी है, और नहीं करेंगे तुम लोग खाओगे क्या? ऐसा ही कुछ है क्या जीतू सर? देख सकते हो बेल लौकी, क्या बात है, बड़ तोड़ेगी कि तू रखेगी हैं? देख सकते हो लौकी, देखिए ये देखिए कितनी बड़ी लौकी है, मतलब कितनी बढ़िया पतीली सुरीली लौकी। और देखिए हमारे जीतू सर कितनी बढ़िया, जितना आपने एक हाथ से, एक हाथ है, एक हाथ के बराबर देखिए आप, और इतनी बढ़िया, मतलब सुंदर, ऐसा लग रहा है कच्ची खा जाओ, चमक देगी उसमें, वो बात अलग है कि आप तक जाते जाते इसकी चमक तीन दिन बाद आपके पास पहुँचती है। और एक किसान की लाइफ इसलिए तो ज़्यादा होती है, किसान 80 साल जीता है, तो गाँव शहर में जो लोग हैं 60 साल जीते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उनका खान पान और ये खालन रहा है, कच्ची खा लूँगा। तो देख रहे हो आप ये तो पीछे लौकी लगी हुई है, देख सकते हो। और ये अभी करेले के लिए फसल तैयार हो रही है, लकड़ी लगा दी है उसमें करेले की, आप देख सकते हो पौध जम रही है, ये करेले की है, ठीक है। और थोड़ा पैर में लग गई, देख सकते हो आप, ये करेला दिख रहा होगा आपको, देख सकते हो पूरे में करेले करेले लग रहे हैं, ऐसे ही बेल इसकी करेले चढ़ जाएगी ऊपर। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे बरसात होती है तो कभी ये फसल गलती नहीं है, मतलब बरसात में पानी जब ज़्यादा आ जाता है तो क्या होता है कि लौकी करेला वगैरह इनके जो जगह होते हैं, मतलब छोटे होते हैं स्टार्टिंग में फूल वगैरह, वो गल जाते हैं पानी से, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है ना। अब देखिए वो करेले, ये लौकी, ये गेहूँ, ये सागौन के पेड़, और ये देखिए मिर्ची। अभी मिर्ची का भाव क्या चल रहा है क्यों जीतू? 120 रुपये किलो। अब सोचो मिर्ची का भाव 120 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता,
यहाँ फर्क जब पड़ता है अपने। और ये देखिए ये लहसुन, और ये जी तो ये कहाँ रे बटर रहा है राई कांकड़ा है जी। और देखिए ये टमाटर देख सकते हो आप, बहुत सुंदर टमाटर, बहुत सुंदर प्यारा। वो गेहूँ की फसल लगी हुई है कटेगी, वो सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, और उधर एक कुआ है वहाँ पे। तो बरसात में जब गर्मियों में जब गर्मी लगती थी तो मैंने जब बढ़िया पूरे कपड़े उतार के पूरे मतलब पूरे और बढ़िया उसमें नहाते थे मस्त तरीके से। और हमारे जीतू सर देखिए ये, और ये हमारी बाटू मोबाइल देख के भाग जाती है हर बार। देख उसने मोबाइल देखा मैंने कि भाग लो, कहना भागा चाहता कि मैं तोड़ूंगी और जीतू ये रखेंगे, लेकिन अब क्या करें पहुँच नहीं पाती ऊपर तक। जी वो है भाई वो डालने वाली किरिया डालने वाली जी डाल दी कहीं से। दोस्तों देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ हमारे घर मकान बने हुए हैं, और आप देख सकते हो ये क्या है, तुरैया है। क्या सुंदर नज़ारा है, देखिए सुंदर है कि नहीं है भैया। आपके यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही होगी अभी, लेकिन यहाँ दोस्तों पूरा चारों तरफ देख सकते हैं ये कुआ फूल, इसमें पानी भी है, ये अरवी पत्ते बनाने होते तो अरवी भी है, केले के पेड़ भी हैं, अमरूद तो है ही, और ये सबसे प्यारी चीज़ मेरी बेरी का पेड़। आलू देख सकते हो ट्रॉली में लगे रखे हुए हैं खुले हुए, देखिए भैया आलू ये वेस्टेड आलू हैं, और ये वाले अच्छे आलू हैं। ये हो रही है पानी की, अरे हड्डी में काय पिचकाई गोला गोल लांग और गोबर गोर रहता है बुढ़ी की लगी सही गोबर से। ये का सबसे सुंदर नज़ारा आप देखिए, यही है जो रास्ता है ना यहाँ से जाने के लिए खेत के लिए, देख सकते हो आप इधर जाने के लिए, इससे सुंदर देख सकते हो क्या सुंदर जगह। अरे वाह यार भैया, अगर सुंदरता आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे नहीं लगता इससे सुंदर जगह आपको कभी देखने को मिल सकती है। देखिए तुरैया लगी हुई है, अमरूद के पेड़ हैं, और ये रास्ता देख दोनों तरफ अमरूद झुके हुए और बीच में रास्ता है। तो साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही प्यारी सी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए कुछ अमरूद तोड़ के खाते हैं, आपको तो नहीं खिला पाऊँगा भैया, और जिसको चाहिए वो कमेंट करिएगा, मैं बोल देता हूँ घर पर भिजवा दूँगा, आपके घर पर भिजवा दूँगा। दोस्तों के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।